नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। कोरोना के युग में खुद का बचाव कैसे करें? घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहनें, एक दूसरे से 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें, चीज़ों को छूने पर साबुन से बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, ज़रूरी कार्य होने पर ही बाहर निकलें, जीवन शैली में बदलाव, बीड़ी तंबाकू शराब का सेवन ना करें, पानी प्रचुर मात्रा में पिएं, नींबू लहसुन अदरक तुलसी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, खांसी जुकाम बुखार होने पर घबराएं नहीं, डॉक्टर से सलाह लें, आपके बचाव में ही आपके परिवार का बचाव है। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। डॉक्टर अरविंद लोक अधिकार मंच के अध्यक्ष, ये लोक अधिकार मंच एक सामाजिक संस्था है जिसे डॉक्टर अरविंद चलाते हैं और इसी लोक अधिकार मंच के द्वारा डॉक्टर अरविंद द्वारा जो है आज मोहल्ला भीकमपुरा में गड़ी महमूद खां में जो है दवाओं का पूरी किट का जिसमें 2 मास्क और 8 प्रकार की दवाओं का वितरण कराया गया, जो एक सराहनीय कार्य है। तो आइए हम खुद उन्हीं के जो बाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग जिन्होंने ये दवाओं का वितरण किया है और इन्होंने घर घर में ये दवाएं पहुंचाई हैं और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी कि क्या क्या किया है उन्होंने और आप देखिए आगे का वीडियो। आज दिनांक 13/9/2020 को डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी के नेतृत्व में आज जो असहाय निर्बल और जो किस तरह से हर तरह से मासूम जो व्यक्ति हैं कोरोना महामारी के चलते हुए, और हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ के नेतृत्व में कोरोना महामारी के चलते हुए निःशुल्क दवाई वितरण, जैसे मास्क, इसमें 8 तरह की दवाइयां हैं जैसे कि पेट में दर्द, बुखार, टाइफाइड, अन्य तरह की कई दवाइयां हैं जो डॉक्टर के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, लोगों को वितरण कराई जा रही हैं। उनके इस कार्य के लिए हमारा संगठन भी बहुत बहुत उनको बधाई देता है, धन्यवाद देता है कि इन्होंने इस तरह के नेक कार्य के लिए पहल की है। और डॉक्टर अरविंद जी की जो भूमिका है जबकि प्रशंसा बहुत ही सराहनीय है, और जितना भी हमारा दलित समाज है और जितने भी निर्बल समाज के लोग हैं वो सभी डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। इस किट में 2 मास्क दिए गए हैं, 8 तरह की मेडिसिन दी गई है इसमें, जैसे कि रात में कभी भी किसी के व्यक्ति को कोई परेशानी होती तो रात में दवाई ले ले, आराम मिले उसके बाद वो अपने डॉक्टर से जाके परामर्श ले और अधिक उपचार जो ले सके, जो जरूरत उपचार है वो ले सके जा करके। तो डॉक्टर साहब की ये नेक कार्य के लिए प्रशंसनीय है, आभार व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर साहब ने इस तरह की योजना का कार्य किया है और सारे लोग के नेतृत्व में कार्य हो रहा है दवाई वितरण का, जिसमें हमारे क्या नाम पता है देवेंद्र दुबे जी हैं और हमारे संगठन के रामलखन वाल्मीकि नगर अध्यक्ष महोदय, जिला महामंत्री अजय वाल्मीकि जी और रोहित कुमार आदि समस्त वाल्मीकि समाज के लोग जो इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, और डॉक्टर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।